तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी से भी रिलेटेड कोई मॉडल पेपर बनाइए, ठीक है। तो अभी तक मैंने बीए के बहुत सारे मॉडल पेपर आप लोगों तक प्रोवाइड किए हैं, लेकिन कमेंट भी आ रहे थे कि सर बीएससी बीकॉम से रिलेटेड बनाइए। तो मैंने आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब बीएससी फर्स्ट ईयर 2019 केमिस्ट्री फर्स्ट मॉडल पेपर के हैं। ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जितने सब पिछले साल पूछे जा चुके हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं 2019 का ये पूरा मॉडल पेपर है। मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है तो उसने मुझे ये पूरा सेंड किया है, तो मैं यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं पूरी तरह की हर प्रकार की जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको मालूम है कि बीएससी में तीन सब्जेक्ट होते हैं, तीन सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। चाहे आप केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी लें या आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ लें, तो सभी के जितने भी तीन होते हैं तीन सब्जेक्ट जी, ठीक है। तो तीनों के तीन तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के तीन पेपर होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। बॉटनी तो उसके भी तीन पेपर होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सभी सब्जेक्ट के तीन तीन एग्जाम होते हैं, यानी कि तीन तीन पेपर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट पेपर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड और अगले नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। जो आपको कन्फ्यूजन हो आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार के आते हैं ये अभी आपको देखना जरूरी है। तो जैसा कि आपको मैं मालूम है कि रूल्स चेंज हुए, मैं बता ही चुका हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं हुए हैं, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में चेंज हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन आने लगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से ओमार सीट पे आप लोगों का एग्जाम होता है। जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का वो आपको अपने ओमार सीट में फिल करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है आप लोगों का, ठीक है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। मैं अभी बताऊंगा कि किसमें लिखना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देंगे, जो राइट आंसर रहेगा उसको आप लोगों को मार्क करके उस बॉक्स में उसे हाईलाइट करना होगा, ठीक है, ओमार सीट में फिल करना होगा। ओमार सीट आपको मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फुल्ली नॉलेज दिया जाएगा कि कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस है। कन्फ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कुछ बताया नहीं जाएगा कैसे मैं फिल करूँगा। पूरी जानकारी आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दो प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तरफ रहेगा इंग्लिश में और दूसरी तरफ रहेगा हिंदी में। दोनों में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा कि सर हिंदी में लिख के आएंगे या इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो जो बीएससी होती है वो इंग्लिश के लिए ही होती है, ठीक है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं या फिर बीएससी इसलिए करना चाहते हैं कि उनको फुल्ली नॉलेज हो, तो वो इसीलिए करते हैं कि इंग्लिश में रहेगा तो हमें समझने में आसानी होगी। लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं शौक के लिए कर लेते हैं बीएससी, लेकिन बट उनको नॉलेज नहीं होता है इंग्लिश के बारे में, तो बोलते हैं हिंदी में लिख देंगे सर चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसमें दो लैंग्वेज में लिखा, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। देखो इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश में लिखना ही है आप लोगों को, ठीक है। अगर इनकेस नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि हिंदी में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लेकिन जो आपके मार्क्स हैं, जैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के मान लीजिए आपको एक नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप लोग इसी तरह के जैसे 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, 10 इंग्लिश में किए तो आपको 10 सही किया आपने, मल्टीपल क्वेश्चन 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना आप लोगों को, जैसे कि आप हिंदी में करेंगे तो 10 नंबर के अगर 10 नंबर का आपने करेक्ट किया, लेकिन फिर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे या 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में दे रहे हैं लेकिन है इंग्लिश का पेपर, ठीक है, तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सब मल्टीपल क्वेश्चन है, आप हिंदी वाला देख लीजिए और इंग्लिश वाले में करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं रिटन वाला होता तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन इस बारे में सारे मल्टीपल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है व्हिच इज करेक्ट फॉर द लंडन फोर्सेस, तो आप उसके सामने ये हिंदी में इसको भी पढ़ सकते हैं, लंदन बल के लिए सत्य है। तो जो लंदन बल के लिए सत्य है इसमें चार ऑप्शन है, ए बी और सी और डी, तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है और आप लोगों को गेस करना है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना पिछले एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो हो सकता है इस बार एग्जाम में रिपीट हो जाए, मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न है और क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या जानकारी है,
आई होप मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी और अभी भी आप लोगों को और भी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म्स ओवर लेंथ हाइब्रिड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, इधर हिंदी में पढ़ लीजिए, ऐसा ऐसा संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। तो नंबर एक है सी ए, बी नंबर है बी, सी नंबर है एम जी, डी नंबर है बी एवं सी दोनों, ठीक है, आप लोगों को दोनों देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीन नंबर हो चुका, दो नंबर क्वेश्चन हो चुका, तीसरा है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, ठीक है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल एज, अब ये इधर पढ़ लीजिए आप लोग, इसमें लिखा है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, नंबर एक है एम जी, बी नंबर है एम जी स्क्वायर प्लस, और सी नंबर है ए एंड बी दोनों, और डी नंबर है एम जी एच टू ओ, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये सब क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉन एक्सटिंक्ट, निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो ये चार ऑप्शन है, जो करेक्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, एक दो तीन चार, जो करेक्ट है उसे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन ये है कि द हाइब्रिड डिसीजन इन एक्स सी एफ फोर इज, और हिंदी में लिखा है एक्स सी एफ फोर में संकरण पाया जाता है, तो चार ऑप्शन है आप लोगों को, जो करेक्ट होगा वो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। मैं आप लोगों को अभी यही सजेस्ट करूँगा, अभी तक आपने मार्केट से सीरीज यानी क्वेश्चन बैंक नहीं परचेज किया है तो मार्केट से परचेज कर लीजिए, उससे आप पढ़ाई करिए तो आपको उसमें आंसर भी मिल जाएगा और आपको अच्छी खासी जानकारी भी मिल जाएगी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन जो कोई प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न आप लोगों को मालूम हो जाए कि किस प्रकार का पैटर्न आएगा, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए मुझे जानकारी देनी थी, इसलिए वीडियो बनाने का मेन यही मोटिव है मेरा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन बायो, आप लोग पढ़िए आठ नंबर क्वेश्चन, इन बायोफ्राइट्स में, ठीक है, बायोफ्राइट्स और इधर हिंदी में बायोफ्राइट्स में होता है, नंबर एक डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है जो पैरासिटिक होता है, और बी नंबर है डोमिनेंट फेज गेमिटोफाइट है जो कि पैरासिटिक होता है, और सी नंबर है स्पोरोफिटिक फेज छोटा होता है और गेमिटोफाइट पर निर्भर है, और डी नंबर है स्पोरोफिटिक फेज स्वतंत्र है और दीर्घकालिक होता है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, फिलहाल इसमें स्टूडेंट ने जिसने भेजा था उसने करेक्ट आंसर ए नंबर लगाया था, लेकिन ये शायद ना हो, ठीक है, मैंने आंसर फिलहाल देखा नहीं है अभी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द स्केल्स इन थोलस ऑफ द ऑफ, उसके बाद मैरुकेंसिया आर, वो इधर हिंदी में है मैरुकेंसिया थैलस पर उपस्थित स्केल्स क्या है, नंबर एक लिगुलेट और बी नंबर है अपेंडिकुलेट, सी नंबर है या तो लिगुलेंट अथवा एपिलुडुकलेट, ठीक है, एपेंडिकुलेट, और डी नंबर है दोनों लिगुलेट और एपेंडिकुलेट। तो राइट आंसर जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथो, ठीक है, हिंदी वाला पढ़ते हैं या इंग्लिश वाला, दोनों आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जल्दी थोड़ा वीडियो एंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। एंथोसेरस, ठीक है, द थैलस ऑफ एंथोरेसिस इस, और इधर हिंदी में है एंथोरेसिस थैलस, चार ऑप्शन है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो राइट आंसर होगा उसको आपको बताना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, सीओडोलेट्स बिना थिंगनिंग बैंड के किस में पाए जाते हैं, और इधर इंग्लिश में लिखा है सीओडोलेट्स विदाउट थिकनिंग बैंड्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों के थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलने वाली है, तो चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर है उन्होंने इतने क्वेश्चन भेजे थे, तो मैंने इतने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, फिलहाल आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फिलहाल जैसे भी और क्वेश्चन मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि भेज दीजिए, प्लीज़ भेजेगा तो मैं और भी क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फर्स्ट पेपर के उन्होंने इतने क्वेश्चन भेजे हैं, ये जो फर्स्ट पेपर ये कितने मार्क्स का बता दो, 50 का है। ठीक है 50 नंबर का है, तो इसी तरह जो तीनों हैं वो भी 50-50 मार्क्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर तीनों आप लोगों के 50-50 यानी 150 का होता है एक सब्जेक्ट का मार्क। तो आई होप आप लोगों को आइडिया कुछ लग गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है और ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, www.sandeepinfo.com, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट को नेक्स्ट वीडियो चाहिए यानी कि इसका सेकेंड पार्ट चाहिए और थर्ड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।